अस्सलाम वालेकुम, ब्रिजो पर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी किसी भी तस्वीर को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या किस तरीके से उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ना तो किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है ना ही, क्योंकि बहुत कई सॉफ्टवेयर इस तरह हैं, लेकिन उनका ये नुकसान होता है कि जब आप उसमें कोई एडिटिंग करते हैं तो वो जब सेव हो रही होती है फाइल तो बहुत टाइम लेती है। इसलिए हमें इस तरह के जो वर्क हैं वो ऑनलाइन अगर हम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ऑनलाइन साइट में आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही सर्च के बाद, जो कि आपको ये इसकी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी। आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और कई किस्म की एडिटिंग आप उसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो साइट कौन सी है और किस तरीके से वो काम करती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। फ्रेंड्स, ये है वो साइट जिसका नाम autoclipping.com है। ये बहुत ही अच्छी साइट है, मैं काफ़ी साइट्स के बाद इस साइट तक पहुंचा हूं और ये बहुत कम वक्त में आपको रिजल्ट दे देती है। सिंपली आपने इस साइट पर जाना है, यहां पर जाकर अकाउंट बना लेना है साइन अप पे। उसके बाद यहां पर आपने अपनी तस्वीर को अपलोड कर लेना है जिसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। ब्राउज़ कंप्यूटर में जाएंगे तो अपनी किसी भी तस्वीर को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट के बाद टाइम बचे इसीलिए मैंने इसको पहले ही इस तरह की मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखें आपके सामने ये तस्वीर अपलोड हो गई। अब यहाँ ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पर आपको दो कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। अब ये क्या काम करते हैं, जो रेड सर्कल है वो आपने उस जगह पर उसको यूज़ करना है जो आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो ये ग्रीन सर्कल है इसको आपने अपनी तस्वीर जो आप रखना चाह रहे हैं उस पर कर लेना है। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह ये रेड सर्कल है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाला हिस्सा अपना पोर्शन जो है वो रखना है यहाँ, यहाँ इसका रिजल्ट आएगा। आप जो यहाँ पे कर रहे हैं उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा ये तो, लेकिन वो थोड़ी देर बाद शो होगा। सिंपली आपने ये मैं अपनी वीडियो जो है इसको मैं अपलोड कर लूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से देख पाएं। ये इसका आ रहा है, अच्छा। अब ये वाला पोर्शन मैं रखना चाह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इस पर मैं ये वाला कलर जो है कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं ये साइट पे रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, ये देखें। अब ये एक मिस्टेक हो गई है, इसको बैक करने के लिए आपने सिंपल ये दबा देना है। ये आप देख सकते हैं अंडो का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपने इसको इस तरह से क्लियर कर देना है तो ये आपकी तस्वीर जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी तस्वीर जो है जो कि मैं अपने थंबनेल्स पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये थंबनेल्स पर भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत कम वक्त में आप अपना जो है एक ट्रांसपेरेंट अपनी जो तस्वीर है वो उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये देखें, अब जिस तरह ये अब एक साइट है इसके बारे में आपको वीडियो बताऊँगा ये कौन सी साइट है। ये लेदर साइट है, मैं बस आपको बताने लगा हूँ कि ये तस्वीर किस तरह से ट्रांसपेरेंट हुई है, ठीक है। ये तस्वीर ट्रांसपेरेंट हो गई, सिंपली आपने यहाँ पर जाकर इसको सेव कर लेना है। ये आप कहीं भी अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सेव कर लेना है आपने, ये डाउनलोड ऑप्शन आप देख रहे हैं, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन है कि डाउनलोड की, इसको आपने वापस डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह फर्स्ट कर लें, ये मेरा थंबनेल है जो कि मैंने यूट्यूब पर लगाया हुआ है। अब इस पर मैं अपनी तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ, लगी पहले हुई है लेकिन फर्स्ट कर लें, मैं इस पर यहाँ पर भी इस साइड पर भी लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एड इमेज रोज, ये ट्रांसपेरेंट तस्वीर है मेरी जो कि मैंने ट्रांसपेरेंट की है अभी आपके सामने ही, ये देखें। इसको मैं साइज में छोटा कर दूंगा क्योंकि यहाँ से ये मूव हो जाएगा, ये देखें। मैं इसको कहीं भी सेट कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने ये की हुई है, ये देखें ये, ठीक है। अब इसको मैं अगर यहाँ पे भी लगा दूँ, इसका साइज थोड़ा मैं और इंक्रीज करके इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर सेट हो गई है। अब इस तरह मैं इसको अगर सेव कर लूँ तो ये मेरा एक थंबनेल क्रिएट हो जाएगा जो कि मैंने ये पहले ही एक किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यही थंबनेल मैंने लगाया हुआ और ये इस तरीके से लगाया है। ये साइट बहुत अच्छी है, इसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। सॉफ्टवेयर्स को आप जो के जैसे प्रीमियर प्रो है या फोटोशॉप है, ये कुछ मतलब कि इनमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप सिंपल इस साइट पर जाएं, यहाँ पर दो कलर्स बस आपको यूज़ करने हैं, कौन कौन सा कहाँ करना है सिंपल आप करें,
और आप अच्छा रिजल्ट पा लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो मैं अपनी तैयार करता हूँ ताकि वो भी आपके खिदमत में हाजिर करूँ। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।